फ्रेंड्स, किचन क्लास 9 में आपका स्वागत है। आज हम सहजन और आलू की सब्जी बहुत ही कम मसालों में और बहुत ही जल्दी से बनाएंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुकर में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स, तो इसकी रेसिपी हम शेयर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगली वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सहजन और आलू की सब्जी नए तरीके से बनाने के लिए सबसे पहले हमने इस तरह से सहजन लेके उसे बारीक काट लिया है वॉश करके। ये हमने बहुत मुलायम वाला लिया है, ये बिल्कुल मोटा भी नहीं है, इसमें बिल्कुल रेशे नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल मुलायम और पतला वाला है। ये बहुत ही फायदेमंद होता है सेहत के लिए। और इस तरह से हमने 4-5 आलू लिए हैं, उसको हमने काट लिए हैं और अच्छे से हमने वॉश कर लिया है। इसे तुरंत काटने के बाद पानी में डालना पड़ता है, नहीं तो ये काला हो जाता है। तो हमने तुरंत इसे वॉश कर लिया है। और ये हम 2 बड़े साइज़ की प्याज को काट लिए हैं, 2 मिर्च हरी लिया हमने, इसको बीच से हमने चीरा लगा लिया है। ये हमने थोड़ा सा अदरक लिया एक टुकड़ा, इसको क्रश कर लिया हमने। और ये हमने 8-10 कलियाँ लहसुन की ली हैं। और ये हम 4 टमाटर लिए हैं बड़े साइज़ के, इसको बड़े स्लाइस में काट लिए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। कुकर में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मस्त हमारी सब्जी होगी, तो चलिए बनाते हैं। कुकर में बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले तो हमें मसालों को भूनना है, इसलिए हमने एक कढ़ाई रखा है, उसमें हमने 2 बड़े चम्मच से ऑयल डाल दिया है सरसों का। अब सबसे पहले इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे, 4-5 दाने काली मिर्च ली है, 3-4 लौंग लिया है, 1 चम्मच राई दाना, ये हमारा जीरा और जो राई दाना हो चुका है, जिसमें हम ये अदरक डाल देंगे, ये हमने लहसुन की कलियाँ डाली है, ये 2 जो मिर्च हमने बीच से चीरा लगा लिया है हरी मिर्च, और ये जो हम प्याज रखे हैं, इन सभी मसालों को हम अच्छे से भूनेंगे मीडियम फ्लेम पे ही। हमें इसे भूनना है, बहुत हाई फ्लेम पे नहीं इसे हम भूनेंगे। इसे बस हमें ज़्यादा नहीं भूनना है, बस इसका कच्चापन निकल जाए इतना ही हमें इसको भूनना है। तो थोड़ा सा हम कवर कर देंगे इसको, प्याज थोड़ा हमारी गल जाए। इसे हमने 3-4 मिनट के लिए कवर किया था, बीच बीच में हमने इसे चलाया भी है। तो ये देखिए, ये हमारी अब प्याज हो गई है, कच्चापन इसका निकल गया। अब ये टमाटर जो हमने काट के रखा है इसको डाल देंगे। अब थोड़ा सा हमें इसको भी गला लेना है टमाटर को, तो अच्छे से इसे मिक्स करके, और इसे भी हम 2-3 मिनट के लिए कवर करेंगे ताकि टमाटर हमारे अच्छे से गल जाएं। तो चलिए चेक करते हैं एक बार अपना। तो ये हमारा टमाटर भी गल चुका है, बस हमें इतना ही इसको पकाना है, बहुत ज़्यादा नहीं। इसको हम एक थाली में निकाल लेंगे ठंडा करने के लिए, और इसी में अपना आलू हम रोस्ट करेंगे। जिस कढ़ाई में हमने मसाले तैयार किए हैं, उसी कढ़ाई में हम आलू को अपने रोस्ट कर लेंगे, और बहुत झटपट ये हो जाएगा कुकर में। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप इस तरह से बनाइए, देखिए कितनी जल्दी से सब्जी हमारी तैयार हो जाती है। तो कढ़ाई में हमने हल्का सा तेल डाल लिया था 2 चम्मच, ये देखिए। अब इसको हम इसी तेल में अच्छे से रोस्ट कर लेंगे आलू को। आलू को थोड़ा भून लेने से इसका फ्लेवर अच्छा आएगा। ये तो हम ऐसे डायरेक्ट भी कुकर में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से बहुत टेस्टी बनता है। तो आलूओं को थोड़ा सा कलर चेंज होने तक भून लेंगे। तो आलू को हमने रोस्ट कर लिया है, अब आलू को हम निकाल लेंगे कढ़ाई में से। तो कढ़ाई में हमने 1 चम्मच और डाला है तेल, उसी कढ़ाई में जिसमें हमने आलू को रोस्ट किया है। अब 1 चम्मच हम जीरा डालेंगे इसमें, 1 पिंच हींग हमने लिया है, ये हमने 2 चम्मच फ्रेश मलाई ली है। अब इसी में 1 चम्मच ये बड़े चम्मच से हमने गरम मसाला लिया, इसको डाल देंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, बस यही। हम ज़्यादा मसालों का यूज नहीं करेंगे, बस ये 2 ही मसाले हम डालेंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमने मिक्स कर लिया है, थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे और इसे कढ़ाई में डाल देंगे। तो इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, मसालों को थोड़ा सा भून लेंगे।
आप सब एक ही बार में कुकर में डाल सकते हैं, लेकिन इस तरह से थोड़ा सा वो टेस्टी बन जाता है। सभी चीज़ें हम रोस्ट करके अगर डालते हैं तो बहुत टेस्टी बनता है, तो इसलिए हमने सारी चीज़ों को रोस्ट किया है। आप चाहें तो कुकर में एक साथ भी डाल के बना सकते हैं। तो ये हम थोड़ा सा भून लेंगे मसालों को, और ये जो हमने पहले मसाले रोस्ट किए थे कढ़ाई में उसको हमने ठंडा करके अच्छे से मिक्सी जार में उसे पीस लिया है। इसमें हमने थोड़ा सा पानी भी यूज किया है, आप भी डालिएगा, नहीं तो ये पीसेगा नहीं। तो ये देखिए मैंने अच्छी तरह से इसे पीस लिया है। वैसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे जो हमने टमाटर और प्याज और सारी चीज़ों को रोस्ट किया था, उसी चीज़ों का हमने पेस्ट बनाया है, तो इस पेस्ट को भी हम उसमें ऐड कर देंगे। अभी हमारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं, अब इसमें ये जो हमने प्यूरी बनाई है इसको भी डाल देंगे, और थोड़ा सा इसको भी रोस्ट करेंगे अच्छे से हाई फ्लेम पे। ये सब हम हाई फ्लेम पे ही भूनेंगे। ये बहुत छींटे भी देता है जब ये पकने लगता है, तो इसलिए हम थोड़ा सा इसे कवर कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स करके, और बीच बीच में चलाते भी रहेंगे, नहीं तो मसाले हमारे जल जाएंगे। तो आलू तो हमने भून लिया है, इसी के संग ये सहजन ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब आलूओं को भी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम कुकर में ऐड कर देंगे। तो ये हमने सारी सब्जियों को मिक्स कर लिया अच्छे से। अब कुकर में हम इसको डाल के और एक सीटी आने तक इसको पका लेंगे अच्छे से। तो एक कुकर हमने ले लिया है, अब सारी चीज़ों को हम कुकर में डाल देंगे। हमने कुकर में डाल लिया है सभी सब्जियों को, और थोड़ा सा इसमें हम पानी डालेंगे। तो हमने थोड़ा सा ग्रेवी डाल लिया है, अब अपने स्वाद के अनुसार हम नमक डाल देंगे। और इसे अच्छे से मिक्स करके एक सीटी आने तक इसको कवर कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा ये धनिया हम डाल देंगे और इसे हम कवर कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने एक सीटी लगा लिया है इसमें कुकर में। अब ये इसे हमने ठंडा कर लिया है बिल्कुल, सीटी बिल्कुल निकल चुकी है। अब हम देखते हैं अपना, ये देखिए ये हमारी सहजन की टेस्टी सी सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। देखिए कितनी जल्दी से, तो आप देख सकते हैं कितने झट से ये सब्जी हमारी कुकर में बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। हमने इसे एक बाउल में सर्व कर लिया है, हमने धनिया की पत्तियों से इसे अच्छे से गार्निश कर दिया है। अब ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगी ये सब्जी हमारी, और बहुत झट से ये कुकर में बन जाती है, आप देख सकते हैं। अगर आपको जल्दी हो तो झट से इस तरह से कुकर में बनाइए टेस्टी सब्जी सहजन की, और बहुत ही मस्त से पराठों और चावल के साथ इसे सर्व कीजिए। तो अगर ये रेसिपी हमारी आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए।